हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं उन्हीं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैप्टर 6 का लेक्चर 14 पे हम पहुंच चुके हैं और यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हम लिए हैं और उसका सॉल्यूशन मैं यहां दे रहा हूं। इसके पहले वाले लेक्चर में एक्सरसाइज दिया हुआ है, आप चाहे तो पहले वो एक्सरसाइज वाला लेक्चर देख लें फिर ये सॉल्यूशन करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सॉल्यूशन लेक्चर। और इसके लिए मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया और सबसे पहले मैं एक बार उस क्वेश्चन को दोहराता हूँ कि आखिर क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि पहले नाम इंटर करवाना है फिर एज इंटर करवाना है और चेक करना है कि नाम का पहला लेटर ए है कि नहीं और एज जो है ग्रेटर देन 10 है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे जैसे पहला लाइन बोल रहा है वैसे वैसे मैं करूँगा। सबसे पहला लाइन जो कह रहा है नाम इंटर करने के लिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, नेम नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ, इसमें इनपुट फंक्शन को कॉल करूँगा और इनपुट फंक्शन को कॉल करने के साथ ही आपको पता है इनपुट जो है स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है, तो उसमें मुझे किसी और चीज़ में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं सिंपल करता हूँ एंटर योर नेम। ठीक है, एंटर योर नेम। उसके बाद क्या करूँगा, उसके बाद एक एज नाम का वेरिएबल लूँगा और एज इक्वल्स टू मैं दूंगा, पहले इंट में कन्वर्ट करना होगा तो इंट फंक्शन को मैं कॉल करूँगा क्योंकि एज जो है इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद मैं इनपुट फंक्शन को कॉल करूँगा क्योंकि मुझे इनपुट लेना है यूजर से और इसमें मैं एक स्ट्रिंग पास करूंगा और उसमें मैंने लिखूंगा एंटर योर एज ऑल्सो। ठीक है, मतलब आप अपना एज भी डालिए। ठीक है, तो मेरे पास नेम और एज यार आ गया। अब सिंपल मैं इफ स्टेटमेंट एक बार चलाऊंगा और इफ नेम लेट्स से जीरो, अगर नेम जीरो जो है अगर इक्वल इक्वल टू ए है, मतलब इज इक्वल टू अगर ए है, ठीक है ए है, या और नेम एक मिनट और नेम जो है छोटा ए भी हो सकता है ना, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं नेम ऑफ ज़ीरो सॉरी नेम ऑफ ज़ीरो इज इक्वल इक्वल टू लेट्स से मैं कर देता हूँ ए, मतलब अगर छोटा ए से शुरू हुआ या बड़ा ए से शुरू हो उसको मुझे कंसीडर करना है। ठीक है, तो और मैं ऑपरेटर में लगा, इसके बाद मैं क्या करूंगा एंड ऑपरेटर लगाऊंगा यहां पे। तो यहां पे मैं एंड ऑपरेटर इसलिए लगाऊंगा क्योंकि मुझे ये कंडीशन इसके बाद वाला जो है ट्रू करना ही करना है, मतलब नेम जो है छोटा या बड़ा ऐसे स्टार्ट हो उससे मुझे मतलब नहीं है, बस ए से स्टार्ट होना चाहिए। और दूसरा मुझे एंड ऑपरेटर लगाना होगा और एंड मुझे एज जो है चेक करना होगा क्या ग्रेटर देन 10, मतलब ये कि ये कंडीशन भी ट्रू हो और ये पूरा का पूरा ट्रू हो। तो ये पूरा का पूरा ट्रू कब होगा, जब दोनों में से कोई एक ट्रू होगा, दोनों तो कभी ट्रू हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर ऐसा है तो मुझे प्रिंट क्या कराना है, मुझे सिंपल प्रिंट कराना है यू कैन जस्ट प्ले दिस गेम, यू कैन जस्ट प्ले दिस गेम। ठीक है, अच्छा अब अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं एलिफ तो जाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे पास एक और स्टेट और कंडीशन तो है नहीं, बस दो ही कंडीशन था, अगर है तो प्ले कर सकता है, अगर इस कंडीशन में लाई नहीं करता है तो क्या कर सकता है, वो प्ले नहीं कर सकता। आप चाहते तो एलिफ लगा के इसको तीन कंडीशन भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन वैसे प्रोग्राम जो है थोड़ा लेंदी हो जाता। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं एल्स यहाँ करता हूँ और एल्स में मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट क्या कराऊंगा, यू कैनॉट प्ले दिस गेम। ओके, चलिए ये हो गया मेरा प्रोग्राम और मैं इसको अब रन करता हूँ। रन करने के लिए पाइथन फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पी वाई और इंटर योर नेम, तो नेम क्या मुझे डालना है, नेम लेट से मैं डालता हूँ अपना नाम ही डाल देता हूँ, मेरा नाम भी ऐसे ही शुरू होता है, और एज जो है लेट से मैं 18 डालता हूँ। तो यू कैन जस्ट प्ले दिस गेम, अच्छा एक बार और प्रोग्राम को रन किया और नाम जो मान लीजिए डाल दिया, नाम मैंने लेट से भानु डाल दिया, ठीक है भानु हुआ, और एज जो है लेट से मैं 9 ईयर्स डालता हूँ। तो देखिए यू कैनॉट प्ले दिस गेम, अच्छा ये इस बार तो मैंने दोनों कंडीशन को फॉल्स कर दिया, नाम भी बी से स्टार्ट कर दिया और एज जो है लेस देन 10 कर दिया। मैं अब क्या करता हूँ, नाम तो सही डालूंगा, लेट से नाम मैं अमृत ही डालूंगा और एज जो है मैं क्या करता हूँ 8 ईयर्स डाल देता हूँ। ठीक है, तो नाम ए से स्टार्ट हो रहा है लेकिन एज जो है 10 साल से ज़्यादा नहीं है, तो यू कैन जस्ट प्ले दिस गेम, अच्छा मतलब ये कि ये यहाँ कुछ गड़बड़ है, मतलब एज जो है अगर लेस देन 8 भी हो रहा है फिर भी ये यू कैन जस्ट प्ले दिस गेम, हमको एल्स में आना चाहिए। तो एक बार फिर से इस प्रोग्राम को जरा देखते हैं कि आखिर गलती कहाँ है। एक्चुअली गलती यहाँ है कि हमने जो है यहाँ पे इनको अलग अलग नहीं किया, जैसे ये एंड और पहले कौन सा वैलिड होगा इसको पता ही नहीं चला, क्योंकि एंड और इस सब का प्रेसिडेंस जो होता है सेम हो जाता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, पहले
एंड को ना चला गया, पहले और को चलाना है। और को चलाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ सिंपल ब्रैकेट लगा दूंगा, और जब ब्रैकेट लगाऊंगा तो इसकी प्रेसिडेंस जो है ज़्यादा हो जाएगी। तो पहले और वाला इवेल्यूएट होगा और फिर एंड वाला इवेल्यूएट होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। और प्रेसिडेंस मैंने बता रखा है वेरिएबल्स, जब मैं बता रहा था तो वो वीडियो लेक्चर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा प्रेसिडेंस क्या होता है, ठीक है। वैसे आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, और लेट से मैंने अब की बार स्मॉल ए से लिखा अमृत, और एज जो है लेट से 5 ईयर मैंने डाल देते, यू कैन नॉट प्ले दिस गेम। तो ऐसा ही मुझे आउटपुट चाहिए था, ठीक है। आई होप कि ये पूरा सॉल्यूशन आप समझ पाए हो। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को कम से कम एक लाइक कर दो। और एक खास बात, आपको अगर सी लैंग्वेज पढ़नी है या आपके किसी दोस्त को अगर सी लैंग्वेज पढ़नी है तो आप मेरे चैनल पे जो 100 लेक्चर्स सी के अवेलेबल है आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं, या किसी को रिकमेंड भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो कमेंट करके या कॉल करके मुझे सिंपल बता सकते हैं कि आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वीडियो बनाइए, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। तो मैं आप किसी एक के लिए भी वो कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप कि ये सारे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ यार अभी तक अपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे। थैंक यू।